धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समव्यता युयुष्वः माम का पांडवा श्रेवे किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? दृष्टवा तु पांडवानिक व्यूढ दुर्योधन स्पदा आचार्य मुप संगमय राजा वचन मब्रवीत। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्चेता पांडुपुत्राणा माचार्य महति चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की, उनको आप इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वाशा भीमार्जुन समायुधि ययुधानो विराटस्र द्रुपस्र महारथ दृष्टकेतु श्रोकितान काशीराजस्र वीरवान पुरुजिस्कुंती वजस्य सबस्य नरपुष्वंग युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम स्वास्थ्य वीरवान सम सौ भद्रो द्रौपदस्य सर्वयो महारथा। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेत और चेतकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माक तु विशिष्टा ए तानिबोध द्विजोत्तम नायकामं सन्यस्य सज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्व कर्णस्व कृपस्व समीति संजयः अस्वस्थामा विग्रस्व सौमदत्तिस्व तथैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अस्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सत्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रार्थों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्त तस्माकं बलम भीष्मा भिरिच्छितं पर्याप्त त्विद्मितेसा बल भीमा भिरिच्छितं। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवा भिरच्छन्तु भवन्तः सर्व यहि। अर्थात इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह अलौ भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनगच्च संख्यदम्य प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः संग खाद्य भर्यस्र पड़वान कगो मुखा सहसैवाभ्य हंत्यंत स शब्द स्थूमुडो भवत। अर्थात इसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः सत्रवे हरे युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडे स्त्रवे दिव्यो संख्यो प्रद्युम्नतु। अर्थात इसके अंतर्तः सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पे बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए।
पांचजन्य हसी केशो देवदत्त धनंजय पांडुधम्यो महासंखम भीमकर्मा वकोदर। अर्थात श्रीकृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम ने पांडु नामक महासंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्र सुघोष मणि पुष्पक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्रु परमेश्वाश शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रुप्यदेवस्य सर्वस्य पृथ्वीपते सोनभद्र महाबाहु शंखमाद्यमु पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोष धृतराष्ट्रया हृदयानि व्यदारेत न भ्रस्र पृथ्वी चैव त्रुमूल व्यनुनादयन। अर्थात उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी बुझाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदृढ़ कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धव्य पांडवः असिकेश तदा वाक्यमिदामः महीपते अर्जुन उवाच सैन्युरुभर्यो मर्दवे रथस्थापच्च मेउच्युतः यथात् हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिकेश श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेत्ता निरुच्यो योद्ध कामन वस्थितान कौमार्य सयोध्य मिश्र नर समुद्य में। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्य मानान वेश्यो यो यत्रेश्व शमागता धृतराष्ट्र दुर्विद्य युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यव मुक्ते हसिकेशो गुंडा के सेन भारत सेन युरिभर्यो मध्य से स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेशा च महितिक्षताम् वाच पार्थ पश्येतान् वेन्ता कुरुनिति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख।